87 में एक बंदा क्रिकेट छोड़ चुका था, रिटायरमेंट का फैसला कर चुका है कि वर्ल्ड कप में हारने के बाद उसने कहा कि मैंने क्रिकेट छोड़नी है, मगर उसको ये पता लग गया कि क्रिकेट और हॉस्पिटल ये साथ चलेंगे, बगैर क्रिकेट के हॉस्पिटल नहीं बन सकता, और उसने उसी डेडिकेशन के साथ हॉस्पिटल को सामने रख के क्रिकेट खेलनी फिर शुरू की, वर्ल्ड कप के नज़दीक पहुंच गया। उसको पता लग गया अगर मैं वर्ल्ड कप जीत लेता हूं तो अस्पताल बन सकता है, उसकी कॉज में बड़ी मदद कर सकता है। हिज एम वॉज द कैंसर हॉस्पिटल, नॉट द वर्ल्ड कप। मगर उसको पता था कि वर्ल्ड कप ज़रूरी है इसके लिए। इतनी डेडिकेशन के साथ एक बंदा दाखिल होता है वर्ल्ड कप में, शुरू के मैचेस में जो का करते कि पूरी दुनिया के सामने है। उसमें मैंने देखा कि क्या कह रहा है न्यूजीलैंड में गालिबन एम्बेसी में एक एशाइया में क्या कह रहा है कि वी आर हेयर फॉर द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप लेके जाएंगे। मुझे उस टाइम बड़ा अजीब लगा कि हालत देखो टीम की किस हाल में और क्या कह रहा है उस वक्त, मगर ही मैंट बिजनेस, क्योंकि उसे पता था कि मेरे जो कॉज लेके चल रहा हूँ उसमें अल्लाह मेरी मदद करेगा। आगे चल के देखते हैं, उसने सियासत से और मुल्क से उसने कहा इसको वापस ट्रैक पे लेके आऊँगा, गन साफ करना है उसमें, उस गन साफ करने के लिए एम है गन साफ करना, उसके लिए उसको नंबर वन की सीट ज़रूरी थी, और उसके लिए ही वो सो ऑनेस्ट सो डेडिकेटेड कि द नेचर कॉन्स्पायर्ड द वर्ल्ड कॉन्स्पायर्ड फॉर हिम, और अल्टीमेटली कभी पानामा आ गया कभी क्या आ गया, अल्टीमेटली जो बड़े दौड़ने वाले घोड़े थे वो सारे रह गए, एंड फाइनली ही वॉज ऑन दैट चेयर। अब उसके बाद देखिए क्या हो गया, उसके बाद जब पाकिस्तान को फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ती है, द नेचर विल कॉन्स्पायर फॉर यू, यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, यही रूमी कहता है, और फाइनली अब देखिए कि आउट ऑफ देयर कॉन्स्पायरेसी वो बंदा उस सीट पे पहुंच गया। अब इसने इंशाल्लाह इस सिस्टम को ठीक करना है, मेरी पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इस सिस्टम को जिस ऑनेस्टी और डेडिकेटेड तरीके से पहुँचे वहाँ पर, जिस कॉज को सामने रख के, ही विल नेवर फेल इंशाल्लाह। उसके सामने बड़े बड़े देव बन के काफ़ी फॉल्ट लाइन्स पड़ी हुई हैं, एजुकेटेड टॉप पे है, एजुकेशन जो उसके फॉल्ट लाइन है चार स्ट्रीम्स हैं, एक रिलीजियस एजुकेशन स्ट्रीम चल रही है, APSS चल रही है, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, ये बिकन हाउस टाइप ये चेंज चल रही हैं। अगर इसने इन फॉल्ट लाइन्स पे काम करना तो यही कर सकता है उसको, इसको ब्रिज करना है आपस में, एक मेन स्ट्रीम में ब्रॉड बेस एजुकेशन स्टार्ट में आखिर में इन्हें सबको आपस में मिलाना है, वरना नहीं चलेगा सिस्टम। कोटा सिस्टम इसका हल नहीं है, कोटा सिस्टम तो मैक्सिमम 1% या उससे भी कम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। क्या सिस्टम 1 or 2% के लिए बनता है? सिस्टम बनता है मेजॉरिटी के लिए, जहाँ पे आपकी मेजॉरिटी आपने लाइंस ड्रॉ कर ली है कि प्राइमरी स्कूल इतने और उसके बाद मिडिल इतने, तो हर जगह तो आपने उसके साथ पिरामिड बना दिया आपने, ये पिरामिड से नहीं काम चलेगा, आपने उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्क्वायर करके ऊपर जाना है। जो बच्चा प्राइमरी से दाखिल होता है उसको आपने ऊपर तक लेके जाना है, तब जाके माशरा बनेगा, तब जाके उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, इनसे बुक्स का बोझ कम करना होगा, सिलेबस को आसान करना होगा, अ लॉट टू बी डन, बड़ा काम होने वाला है। टूरिज्म ने आना है, टूरिज्म के लिए इतने बड़े बड़े काम होने हैं और बड़ी आसानी से होने हैं, तो यही बंदा कर सकता है, जिसकी सोच इस मुल्क के लिए यही कर सकता है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि खान साहब आपने करना है और आप करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह, मैं तो आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।